हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको ये बॉर्डर बनाना बताऊंगी जो कि बहुत सिंपल है। ये बॉर्डर हम दो कलर से बनाएंगे, ब्लू एंड रेड। तो सबसे पहले हम ब्लू कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई और लंबाई 4 इंच रखेंगे, 4 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई। इसके बाद इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आपको भी इस तरीके से फोल्ड करना है और गोलाई में कटिंग कर देनी है, हल्की सी गोलाई में। देखिए हाफ सर्कल बन चुका है ये। अब इसके बाद हमने ये रेड कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है, 2 इंच की चौड़ाई है, 2 इंच की लंबाई है। इसको भी आड़े में जिससे पहले फोल्ड किया था उसी तरीके से हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही कट करनी है, सॉरी फोल्ड करनी है। और हमें नीचे की तरफ से जहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरीके से हम सारे जितने भी हमने ये कट किए हैं वो सब सिल लेने हैं। याद रखिएगा आपको लैस इतनी बड़ी बनानी है जिस ना आपको ये दुपट्टा हो या साड़ी हो आपकी पूरी हो जाए। आपको उतनी लंबी बतानी है बनानी है। मैं यहाँ आपको एक सैंपल बता रही हूँ, छोटे से रूप में आपको करना, बस जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। ये हमने रेड कलर की सारी पट्टी बना ली है। अब ये जो ब्लू वाला था, हाफ सर्कल किया था, उसको नीचे की तरफ से जॉइंट था उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ये सर्कल में सिलाई कर ली है। अब इसको छोटे छोटे कट लगा के हम पलट देंगे, या तो आप प्रेस कर लीजिए नहीं तो इसको इसके किनारे को अच्छे से दबाइए जिससे कि एकदम परफेक्ट आए। और जो नीचे का खुला हिस्सा है उसको सिलाई कर लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा कपड़ा कटिंग भी कर देना है। अब हमें साड़ी दुपट्टा या कुछ भी लेना है उसके ऊपर ये जो हमने रेड वाली पट्टी बनाई थी उसको हम अटैच करेंगे करीबन आधा इंच दूरी पर। बहुत सिंपल है ये बनाना। ये हमने पूरी पट्टी सिल दी है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ब्लू कलर की पट्टियाँ लगाएंगे जो हाफ सर्कल हमने कट किए थे। वो लगाने से पहले हम एक के पीछे एक जैसे हमने पहले लगाया था इसी तरीके से हाफ सर्कल एक के पीछे एक हम अटैच कर लेंगे जिससे कि सिलते समय हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब जो पट्टियाँ हमने लगाई थी उसी के ऊपर हमें ये भी लगानी है। ये देखिए सिलने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। ये देखिए हमें जो हाफ सर्कल किए थे ब्लू कलर की वो भी हमने कट कर लिए हैं। कट करके हमने उसी के ऊपर सिलाई कर दी है। अब इसको हम पलट लेंगे।
यहाँ पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन निकल के आएगा। अब हम ऊपर जो सिलाई मारेंगे, या तो आप डायरेक्ट पहले सिलाई कर लीजिए उसके बाद लैस लगाइए, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए जिस तरीके से मैं आपको कर रही हूँ, डायरेक्ट सिलाई और लैस इकट्ठा। आपको जिस तरीके से आसानी हो आप उस तरीके से ही लगाइएगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।